Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बाल मनोविज्ञान में नोम चोम्स्की, जिनका जन्म 1928 में अमेरिका में हुआ था और इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, जिसे क्या कहते हैं, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। कभी कभी हिंदी में लिख कर आ जाता है कि जनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसने दिया है, तो आपका जवाब होना चाहिए नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की ने बताया कि एक बालक जब छोटा सा पैदा होता है तो उसके बाद से उसके भाषा विकास कैसे 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 वह भाषा सीखता है, उसको किसने बताया है, नोम चोम्स्की ने। इन्होंने सबसे पहली बात तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह कहा कि भाषा जो होती है जन्मजात होती है, उसे जन्मजात बालक क्या करता है, अर्जित करता है। कैसे, क्योंकि उसके अंदर एक डिवाइस लगा होता है जिसे कहते हैं भाषा ग्रहणक यंत्र, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक्विजिशन मतलब होता है लैंग्वेज को अर्जन करना। अब यह अर्जन कहाँ से करेगा, वातावरण से करेगा। अब देखिए दोस्तों, कैसे वातावरण से, लेकिन कैसे, आप यहाँ पे समझिए कि एक केरला का बालक है और एक यूपी का बालक है। केरला का बालक इंग्लिश जो है बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत तेज़ी से बोलता है, ठीक है, जबकि यूपी का बालक जो होता है वो हिंदी तेज़ी से बोलता है, इंग्लिश नहीं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक भाषा ग्रहणक यंत्र लगा है। वह जिस वातावरण में रहेगा, केरला की जो राज्य भाषा है इंग्लिश है, वह वातावरण क्या है वहाँ पे, इंग्लिश वातावरण है, इसलिए केरला का बालक जो है इंग्लिश बहुत तेज़ी से बोलेगा, जबकि यूपी का बालक इंग्लिश तेज़ी से नहीं बोल पाएगा, क्योंकि यहाँ का राज की भाषा क्या है, हिंदी है। और यह वातावरण से अपने जो मस्तिष्क में, इन्होंने क्या कहा कि हमारे मस्तिष्क में एक भाषा ग्रहणक यंत्र लगा होता है, तो भाषा ग्रहणक यंत्र के द्वारा क्या करते हैं, इसे एक्वायर यानी अर्जित करते हैं। भाषा भाषा जो होती है जन्मजात होती है, इसे क्या किया जाता है, आप सीखते हैं यहाँ पे वातावरण के द्वारा। समझ में आया कि नहीं, जैसे केरला का बालक जो है इंग्लिश में तेज रहता है, इंग्लिश बोलने में तेज रहता है, क्या बताइए क्यों यूपी का बालक इंग्लिश बोलने में तेज नहीं रहता है, क्योंकि यूपी का बालक जो होता है वह हिंदी वातावरण में रहता है। और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बताया कि हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सार्वभौमिक व्याकरण संरचना का मतलब आप लोग समझते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण यानी जैसे मान लीजिए, सार्वभौमिक मतलब सभी व्याकरण समान होते हैं। सभी व्याकरण क्या होते हैं, समान। जैसे यहाँ पे इंग्लिश बोल रहा है, यूपी वाला हिंदी बोल रहा है, लेकिन क्या इसके में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा अगर इंग्लिश में, तो क्या हिंदी में नहीं होगा, क्या संस्कृत में नहीं होगा। यानी सार्वभौमिक मतलब सभी के सभी के व्याकरण क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए बालक के अंदर क्या होता है, सार्वभौमिक व्याकरण संरचना होती है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कैसे कैसे स्टेज दिए, कैसे कैसे बालक में भाषा का विकास होता है, या कैसे कैसे इन्होंने बताया। जैसे मान लीजिए बालक पैदा हुआ तो जब 6 सप्ताह 6 वीक यानी 6 सप्ताह का जब बालक रहता है तो वह क्या करता है, वह कूइंग करता है। क्या करता है, कूइंग, COOING। कूइंग का मतलब होता है केवल वह माँ पा यानी एक सेंटेंस, एक वर्ड मतलब एक अक्षर बोलेगा, वह भी अस्पष्ट नहीं बोलेगा। और जब 6 वीक के बाद 6 माह का होता है तो 6 माह का बालक जो होता है वह बैबलिंग करता है। बैबलिंग जैसे 6 सप्ताह का जब था तो माँ बोलता था, अब 6 महीने का जब होगा तो वह मामा बोलेगा, लेकिन कैसे, बलबला कर। मामा तो बोल लेगा लेकिन कैसे, बलबला कर। और जब बालक 1 साल का होता है, 1 साल में
उसे कहते हैं वन वर्ड स्टेज। वन वर्ड स्टेज में एक शब्द स्पष्ट रूप से बोलता है, जैसे मामा है वो भी एक शब्द है, लेकिन वहाँ पे बड़बड़ा के बोल रहा था जब वह कितने साल महीने का था, 6 महीने का, लेकिन अब वह बालक कितने साल का हो गया है, 1 साल का हो गया है। तो आप एक शब्द पूरी अस्पष्टता से बोलेगा, अगर मामा बोलना है तो पूरे स्पष्ट से मामा, बाबा, काका, चाचा, या 3 शब्द का जैसे कमल बोलना है तो भी वह बोल लेगा। और जी 1.5 साल का बालक जब होता है, जब बालक 1.5 साल का होता है तो उस स्टेज को 2 वर्ड स्टेज कहते हैं, यानी उसमें 2 शब्द, जैसे मामा गए, मामा भी बोला गए भी बोला, 2 चीज़ बोल लेगा। उससे पहले 1 वर्ष में वो 1 शब्द से ज़्यादा नहीं बोल पाता, लेकिन 1.5 वर्ष के होते ही वह दोनों चीज़ बोलने लगता है, मामा गए, पापा आए, ठीक, 2 चीज़ बोलेगा। उसके बाद 4 साल का जब बालक होता है तो वह सभी का सभी जो शब्द होता है वो पूरे वाक्य में बोलने लगता है और पूरी तरीके से स्पष्ट, और 50,000 शब्दों का संग्रह उसके दिमाग में डिक्शनरी होता है। और इस तरीके से नोम चुमस्की से आपका यही क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बताएंगे नोम चुमस्की। कब इनका जन्म हुआ था, 1928 में, कहाँ हुआ था, अमेरिका में। और भाषा जन्मजात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी कभी आए आपके ऑप्शन में आएगा कि भाषा जन्मजात है या भाषा को अर्जित किया जाता है, तो भाषा जन्मजात है लेकिन अर्जित अगर करते हैं तो किससे, LAD से, यानी लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस से। और इन्होंने कहा कि हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना है, यानी जो संरचना व्याकरण की है वह सार्वभौमिक है, जो संस्कृत में अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो वही तीनों चीज़ हिंदी में भी होगा, वही तीनों चीज़ आपका इंग्लिश में भी होगा, कोई व्याकरण है सभी में क्या होगा, वही का वही होगा। इसीलिए भाषा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, नोम चुमस्की को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा विकास के विज्ञान के जनक कौन है, नोम चुमस्की है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया हो, अगर कोई डाउट रहा हो, कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थोड़ा मेरा पहला वीडियो है इसलिए मैं पूरा अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा हिचकिचाहट है, यहाँ आगे कोई बैठा नहीं है तो यहाँ पे पढ़ाने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं अपना केवल 60% ही दे पा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन धीरे धीरे आप अगर कोशिश करते हैं और आपको अदर वीडियो अगर चाहिए आप बताएंगे तो आपको मैं अच्छे से प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।